अम्बाला में हुआ बड़ा हादसा। वैष्णो देवी जा रही मिनी बस ट्रक से टकराई। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनका फिलहाल अम्बाला के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार यह हादसा मिनी बस के ट्रक से टक्कर की वजह से हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि हाईवे पर ट्रक ने एकाएक ब्रेक लगाया था, जिस वजह से पीछे से आ रही मिनी बस उससे जा भिड़ी। पुलिस के अनुसार यूपी के बुलंदशहर से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए मिनी बस से जा रहे थे। वहीं हादसे में बाल बाल बचे अन्य लोगों ने बताया कि उनकी मिनी बस के आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया था, जिस वजह से मिनी बस की ट्रक से टक्कर हो गई। 6 महीने की बच्ची समेत 7 लोगों की मौत। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 6 माह की बच्ची सहित पति पत्नी शामिल हैं। वहीं एक अन्य व्यक्ति भी मृत मिला है। हादसे में घायल हुए श्रद्धालु राजेंद्र सरोज और धीरज ने बताया कि वे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गुरुवार की शाम को रवाना हुए थे। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। वे रात करीब 2 बजे मोहड़ा के पास पहुंचे तो अचानक ट्रॉले के आगे कोई वाहन आ गया था। जैसे ही ट्रॉले ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो ट्रैवलर उससे जा टकराया और यह भीषण हादसा हो गया। हादसे में बाल बाल बचे परिवार के सदस्य ने बताया कि उनकी मिनी बस के आगे चल रही ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे श्रद्धालुओं से भरी बस आगे चल रही ट्रक में जा भिड़ी। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल ट्रक चालक फरार है, लेकिन ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। केस रजिस्टर कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है।